हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कैंटियन इथिक्स थ्योरी के बारे में। वाइल स्टडिंग मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, बट जब मेरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ देन मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। जैसे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है जो हम लोग से, ये लाइफ से रिलेटेड ही थ्योरी है। जैसे कि अब कोई भी थ्योरी लिखने से पहले हम लोग को ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको किसने डिस्कवर किया। तो इस थ्योरी में जर्मन फिलोसोफर ने डिस्कवर किया ये थ्योरी, उनका नाम है लाइक इट्स मुस्लिम ने, सो आई एम वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। जैसे कि इमानुएल कैंट ने इथिक्स का मतलब डिस्कवर किया हुआ था, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, विद ईजी लैंग्वेज में बोलने के लिए इसे कैंटियन इथिक्स का भी नाम दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने ड्यूरिंग इज 8 ईयर, मतलब जब अब वो चाहते थे कि मैं कुछ लिखूँ करूँ, तो 8 साल में उन्होंने 8 साल जब उन्होंने अपना टाइम दिया है स्टोरीज़ पे, बुक्स पे, लाइक साइंस, बहुत सारे टेक्स्ट बुक लिखे रिलेटेड टू द साइंस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड मैनी मोर, बट ही फॉर्मुलेटेड मैनी आइडियाज़ रिगार्डिंग द इथिक। ठीक है, इथिक्स से, कंडक्ट्स एंड मोटिवेशन से रिलेटेड अपना बहुत सारा उसमें आइडिया दिया, क्या कैसे क्या किया जाए तो हो अच्छा होगा। तो वो मोस्टली फोकस किया है मोरालिटी फॉर द एक्शंस। तो ये क्या होता है ना, कैंटियन इथिक्स में क्या है, इज़ ऑल्सो एज अ नॉर्मेटिव इथिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैंटियन को नॉर्मेटिव इथिक्स बोलते हैं, रिफर्स टू द डेंटोलॉजिकल इथिकल थ्योरी। डेंटोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मेटिव इथिक्स और एंड डेंटोलॉजिकल इथिक थ्योरी, विच मीन्स दैट ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी। ठीक है, डेंटोलॉजिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी। दिस थ्योरी, ये थ्योरी ये बोलता है कि वी आर इस, ये थ्योरी में ये बोलता है ना कि हम लोग को एकदम मोरली ऑब्लाइज्ड है टू एक्ट इन अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो मतलब हम लोग को अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में हम लोग एकदम बाउंड है कि हम लोग को ये रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करना ही है, आइदर दैट द वर्क वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, वो बोल सकता है, ही बिलीव दैट अ पर्सन चॉइस शुड हैव नथिंग टू डू विद द डिज़ायर आउटकम्स। उसे मतलब चॉइस से कोई रिलेटेड नहीं है कि मतलब आउटकम्स जो भी हो भाई, वो अपना ड्यूटी फॉलो कर रहा है, भले वो किसी को मार क्यों नहीं दे रहा है, बट नो इट्स हर ड्यूटी। जब फॉर एग्जाम्पल पुलिस मैन लोग को देख लो, जैसे कि वो लोग पर्सन उसको किल भी कर देते हैं, ठीक है, तो बट वहाँ पे कोई भी केस एंड वगैरह नहीं होता है। वाई? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना ड्यूटी फॉलो किया है। क्या तो इसी को हम लोग इसमें जैसे भगवत गीता इसमें एक्सप्लेन किया, लाइक मेरे बुक में बहुत चीज़ इतना लॉन्ग एंड फास्ट इतना दिया हुआ है कि मतलब समझना मुश्किल है, बट शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे भगवत गीता में भी बहुत चीज़ को मतलब आदमी को मारा ये वो, बट वो क्यों मारा, उसका सही नतीजा निकला, तो कॉन्सिक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है। क्या ये थ्योरी को कॉन्सिक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, बस तुम अपना ड्यूटी को फॉलो करते जाओ, तुम्हारा रूल्स जो रेगुलेशन में जो तुम्हारा ड्यूटी आ रहा है वो तुम उसको फॉलो करो, बस यही है। ठीक है, जैसे कि अगर मानो कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और भले वो किसी को बुरा लगने वाला है, उससे तुमको मतलब नहीं है, बट या कि वो तुम्हारा ड्यूटी है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम्हारा फ्रेंड का ही जैसे एक बैंक मैनेजर है, ठीक है, नीलामी में किसी घर को वो करना है, ठीक है, बट क्या होता है वो नीलामी जब करता है तो उसका फ्रेंड का ही घर रहता है। क्या तो वही होता है कि मतलब वो बचा भी नहीं सकता है अपना फ्रेंड का घर को, और उसको ड्यूटी भी फॉलो करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल फॉलो हिज ड्यूटी, ही विल नॉट लुक फॉर हिज फ्रेंड, दैट फ्रेंड जब मे बी हो सकता है बाद में फ्रेंड का जो मतलब हमारा रिश्ता होता है फ्रेंड के बीच में वो टूट सकता है, तो उसको भी दिस थ्योरी हैव नथिंग टू डू विद द रिलेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, इससे कुछ उसे नहीं करना है, बस ही नीड टू द थिंग्स दैट शुड फॉलो द ड्यूटी, लाइक इट मीन्स दैट ट्रीट अदर पीपल विद द कंसर्न एंड काइंडनेस यू लाइक देम टू शो, और डू नॉट इम्पोज ऑन अदर व्हाट यू डू टू विश टू फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ये सब चीज़ बोला है, तो दिस थ्योरी इज वेरी यू नो रिलेटेड टू आवर मोरल लाइफ, बस यही है, जस्ट फॉलो इट इज़ अ ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी थ्योरी। ठीक है, ड्यूटी बेस्ड थ्योरी है ये, जो शॉर्टकट में अगर बोलेंगे कि अब आपको बताना चाहती हूँ मैं शॉर्टकट में कि ये एक ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी थ्योरी है जो डिस्कवर किया था जर्मन फिलोसोफर ने। ये थ्योरी को कैंटियन इथिक भी बोलते हैं, उसके बाद नॉर्मेटिव इथिक्स भी बोलते हैं, और डियोन्टोलॉजिकल इथिकल थ्योरी भी बोलते हैं, और ये
इट इज़ इंटरप्रेटेड एज अ ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी. मीन्स दिस थ्योरी स्टेट दैट वी आर मोरली ऑब्लाइज टू डू द थिंग्स इन अकॉर्डिंग्स विद द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स. मतलब क्या आउटकम्स होगा नहीं होगा उससे तुमको मतलब नहीं है. यू जस्ट हैव टू फॉलो योर ड्यूटी. ही बिलीव दैट अ पर्सन चॉइस शुड हैव नथिंग टू डू विद द डिजायर आउटकम्स. बट इंस्टेड मैनकाइंड सिंपली गोज अबाउट डूइंग वेल बिकॉज इट इज मोरली करेक्ट. ठीक है, मोरली करेक्ट है सो आपको करना ही पड़ेगा. ये चीज़ इसमें कैंटियन एथिक्स में बोला गया है. और इसका क्या बोलते बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज बेस्ट एग्जाम्पल. मीन्स ड्यूटी बेस्ट बस यही. फॉर एग्जाम्पल लाइक समवन हु फॉलो ड्यूटी बेस्ट एथिक्स शुड डू राइट थिंग इवन इफ दैट प्रोवाइड्स मोर हार्म्स और लेस गुड्स दैन डूइंग रॉन्ग थिंग. आई हैव एक्सप्लेन. मतलब जो भी मैंने बोला है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया देन आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.